एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। और अभी हो रही है सुबह 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 भक्ति संगीत चला लिया आज कीरत ने। कित्तू की आज छुट्टी है तो बोलती है, सुबह सुबह उठ गई है, बोल रही मम्मा मेरे को ना कृष्ण के जो है भजन चला दो। तो भजन चलाए कृष्ण के और अब कित्तू डांस कर रहे थे। क्या देख के हैरान हो जाएंगे नानू आपको डांस। ओ माय गॉड, कित्तू का डांस देख लो भाई, ये देखो नानू हैरान हो जाओ कित्तू का डांस देख के। कित्तू हमारे कृष्ण दीवानी है, वो देखो कित्तू का कृष्णा। इसके दादू दूसरे वाला कृष्णा दिलवाला है, एक कृष्णा पहले दिलवा रखा था वो तोड़ फोड़ दिया, अब दूसरा कृष्णा दिलवाला है इसको, बताओ। ये तो जब रात को गिराएगा फिर ये तो बहुत मजबूत है, टूट जावे तो। हां ठीक है, डांस करो चलो आप। कित्तू का नाश्ता वहां हो रहा है और हमारा नाश्ता यहाँ पे है। पापा का लंच हमने कर दिया है पैक। नीटे नीटे चुप, बिल्कुल बात करने की अकल नहीं है किताब को। बस भाई अपना हो चुका है और उसके बाद अपने ने किचन की भी देखो फुल टू सफाई कर डाली है और यहाँ लगा लिया। किचन की सफाई करते ही मैंने यहाँ पे लगा लिया अपनी मशीन, ताकि भाई बहुत सारे कपड़े हो रखे थे, कपड़े धो देंगे साथ में मशीन, वो क्या कहते हैं पानी लगा दिया, ये देखो गर्म, बच्चों को नहला दूंगी। और यहाँ पर जो है चद्दर झाड़ने के लिए रखी हुई है, चद्दर झाड़ रही थी, फिर मैंने सोचा चलो व्लॉगिंग कर लेते हैं साथ साथ में। और यहाँ सिम्मू आ गए शुशु करने के लिए, निकर निकाल के अपने। आज तो फुल टू आप मल्टी टास्कर हो रहे हैं, किधर बच्चों को नहलाएंगे, एक साइड कपड़े धोएंगे, एक साइड झाड़ू लगाएंगे, किसी को उससे दूर बैठा। और कोशिश करूंगी कि आज है ना बच्चों के जो है विंटर के कपड़े जो है ना, खास करके तू भी स्कूल के ड्रेस को जरूर निकाल दूँ, क्योंकि कल विदाउट ड्रेस भेजा था तो मैम ने मेरे को बोल दी थी कि मैम ड्रेस के साथ भेजा, क्योंकि परफॉर्मेंस भी थी ना इनकी स्कूल में बाल दिवस के कारण इस चिल्ड्रन डे की वजह से, तो मैम अच्छा नहीं लगता वीडियो पे। ठीक है कर रही हूँ साफ, हाथ में डाल लो फिर, ब्रॉड लगी है बहुत, पानी गर्म है। चलो भाई सिम्मू का शुशु वॉश करते हैं और फिर आप पीछे वाले कमरे को सेट करते हैं, आगे वाले कमरे की चद्दर जो है वो उतार के आज वॉश कर दूंगे। बच्चों के बीच 10:30 और फिलहाल आपने ने सारे कपड़े धो डाले, लास्ट वाला जो है ना जो ड्रायर में डालना वो रह गया, और इसके अलावा जो है यहाँ पे देखो अभी ड्रायर में से निकाल लूंगी। और खूब सारे कपड़े ले रहे हैं अपने जो अपने ने अभी धो के ड्रायर कर दिया, सुखाने बाकी है, उसके बाद झाड़ू पोछा करना है। लेकिन उससे पहले बच्चे बार 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 ना फ्रिज खोल रहे हैं। वैसे तो मैंने सुबह पराठा बनाया था इनका, लेकिन दोबारा से मुझे लग रहा है इनको भूख लगी है नहाने के बाद, तो पहले इनके लिए बनाती हूँ एक पराठा और फिर जो है झाड़ू लगाऊंगी और ये कपड़े सुखाऊंगी, पहले कपड़े सुखाएंगे और उसके बाद झाड़ू लगाऊंगी। तो चलो छुट जाते हैं दोबारा से, कहाँ पर सारे कपड़े गीले हो गए मेरे, यहाँ से दिख नहीं रहे हैं, लेकिन यहाँ यहाँ तक कपड़े गीले हो रखे हैं, पूरी ये क्या कहते हैं कुर्ता अपना गीला हुआ पड़ा है। दोनों बच्चों का पराठा बना दिया, ये सिमू का है और ये कित्तू का। कित्तू खाएगी सॉस के साथ, सॉस खाएगा या मलाई खाएगा, फिर वो रही सॉस, दोनों जने मिलके खाओ इसी में लगा के। ले इधर आ जाओ सिमा, अरे इसमें रसगुल्ला खाया सिमू ने, चलो दोनों दीदी मिला के खाओ, गर्म है अभी पराठा, ठंडा ठंडा होने दो। तो भी बच्चे खाएंगे रोटी, तो आप जो है कपड़े सुखाए थे, क्योंकि छत पे सुखा के आऊंगी मैं कुछ कपड़े, क्योंकि अगर सारे कपड़े यहाँ चाहें तो यहाँ पॉसिबल नहीं है आप आने, इसलिए मैं सोच रही हूँ कुछ कपड़े छत पे सुखाएं, फिर साथ में मोटर चला लिया तो टंकी भी देखाएंगे लगे हाथ कितने खाली हो रखी है। लो भाई कपड़े लेके मैं पहुँच चुकी हूँ छत पे सुखाने के लिए, लेकिन यहाँ मैंने पहला कपड़ा डाला और जैसे ही मैं तीसरा जो है कपड़ा डालने लगी इसके ऊपर, तो हमारी जो रस्सी है जो कि बहुत शायद कमज़ोर हो चुकी थी, उसने अपना दम निकाल दिया और मेरे सारे कपड़े धोए धाए ख़राब कर दिए यहाँ पे, तो धड़ाम से मेरे सारे कपड़े नीचे गिरे। फिर मैंने जैसे तैसे फटाफट उठाए और जो है मैं इसको अंदर लेके गई ग्रिल पे, अंदर जाके मैंने इनको सुखाया, लेकिन अपना आज जो है मेहनत पे पानी सही फिर गया लगभग, तो फिर चलो ज़्यादा कपड़े नहीं थे, मैंने 2-3 ही कपड़े इसके ऊपर डाले थे, शुक्र है कि मैंने ज़्यादा कपड़े नहीं डाले थे, उससे पहले ये रस्सी टूट गई। और आप जो है अभी इसको अंदर जाके एक एक करके सारे कपड़े सुखा देंगे, जगह की कमी के कारण ये हो गया भाई अपना हाल आज जो है। सुखाते सुखाते अपने साथ हो चुका है बहुत बड़ा पोपट, आपने देख लिया होगा, लेकिन फिलहाल अब मैंने कुछ कपड़े यहाँ सुखा दिए और कुछ कपड़े अब सुखाने जाएंगे नीचे। झाड़ू अपना लग चुका है, तो अब टाइम आ चुका है अपना पोछा लगाने के लिए।
पोछा लगाने का वॉश बेसिन साफ कर दिया, टॉयलेट साफ कर दिया, बाथरूम रह गया। बाथरूम में सोचा जब मैं नहाऊंगी ना और ये कपड़े धोऊंगी उस समय ही कर दूंगी जब नहाऊंगी उस समय पे, तो बाथरूम बाथरूम रह गया, बाथरूम आपा करेंगे बाद में साफ। लेकिन पोछा लगा लेते हैं क्योंकि 11:40 हो चुके हैं अपने, आज इतना लेट हो गया अपना काम है ना। लगभग इस समय तो आप फ्री होके बैठ के चाय पीते हैं, आज अपना चाय का टाइम भी लेट हो गया और काम का टाइम भी लेट हो गया। अच्छी मुँह भागी भागी आ रही है, तो चलिए भाई पोछा लगा लेती हूँ अब तो मैं फटाफट, विदाउट एनी टाइम वेस्ट किए। अपना जो है नहाना धोना हो गया, दोपहर के बज चुके हैं 12:20 और नहाते ही अब मैं जा रही हूँ दूध लेने, क्योंकि आज अरुण तो है नहीं था घर पे और इसकी वजह से दूध भी नहीं आया अपना। तो अब मैं सोचूँ दूध ले आऊँ, बच्चों को कुछ खाने पीने का दिलवा लूँ, जैसे नमक तारे वगैरह या मटी कुछ ऐसा। सिम्मू को क्रॉक्स पहना दूँ जब तक। लेके आ गए दूध ले आए हैं, नमक पारे लेकर आए हैं बच्चों के लिए, साथ में ये छोटा सा केक है वो, और साथ में इन्होंने चिप्स मांगे थे, दोनों बच्चे चिप्स खाने लग गए उधर बैठ के, तो चिप्स के पैकेट लेकर आए। और अब मैं बनाती हूँ थोड़ी सी चाय और चाय पीऊँगी, लगभग 1:15 बज चुका है टाइम, रोटी देखेंगे थोड़ी लेट से खाने के 3 बजे से। घर के बच्चों की है भाई 3:30, फिलहाल जो है मैं मेहंदी की प्रैक्टिस करी थी, मैं दिखा दिया जो है मेरा प्रैक्टिस के लिए जो पेपर होता है वो। सिमू उठ के आ गई और मैंने अब सिमू को लगाई है मेहंदी, तो दिखाओ सिमू, ये देखो सिमू की मेहंदी है ना। बच्चे हिलते हैं इस करके इतनी परफेक्शन के साथ नहीं लग पाई, लेकिन मैंने 100% कोशिश करी, जो मैंने डिज़ाइन देखा वो वाला डिज़ाइन इसके लगाने की। तो लेकिन सिमू हंस रही थी, सिमू को बार बार खांसी आ रही थी ना सिमे, तो सिमू कह रही मम्मा एक हाथ के तो लगा दो, मैंने एक हाथ के सिमू का पीठ लगा दिया मेहंदी, दूसरे हाथ के कब लगाएंगे अपा? रात को है ना। और क्या उठ के दीदी भी बोलने लगे मेरे भी मेहंदी लगा दो, तो हो सकता है कित्तू भी बोलने लगे तो कित्तू के भी मेहंदी लगा देंगे, इससे बहाने अपनी प्रैक्टिस हो जाएगी और बच्चे खुश हो जाएंगे कि उन्हें मेहंदी लग गई है ना। और अब तो भाई क्या कहते हैं थोड़ी देर में टाइम हो जाए अपना चाय पीने का, चाय पीने का। लंच हमने किया ही नहीं क्योंकि चाय लेट पी थी, फिर बस भूख नहीं लगी जिसकी वजह से मैंने फिर लंच नहीं करा फिर मैंने। और अब जो है 4 बजे से अब चाय बना के पी लेंगे, देखेंगे कोई कपड़ा अगर सूख चुका है उन कपड़ों को उतार के तय कर लेंगे, और जो सूट मैंने निकाला था इससे पहले वो वाला ड्राई करना रहता है उसे ड्राई करके अपन सुखा देंगे। सब्जी अपनी बनी हुई रखी है, सब्जी बनानी नहीं है, कित्तू को पढ़ा देंगे थोड़ा सा जब कित्तू उठेगी। इसके अलावा कित्तू की जो है मुझे ड्रेस निकालनी है इस वाले बेड में से, आई थिंक सो इसी वाले बेड में है, पक्का नहीं है, शायद इसमें है मेरे ख्याल से, तो मैं देखूंगी अगर इसमें हुई तो कित्तू की जो है ड्रेस ज़रूर निकाल देंगे, क्योंकि फिर मैम कंप्लेन कर रही थी विंटर वाले ड्रेस निकाल देंगे क्योंकि अब तो सर्दियां आ ही चुकी है। वैसे आज मैंने न्यूज़ में सुना भी था कि बच्चों की जो क्लास है वह वो ऑनलाइन होगी, लेकिन अभी तक ऐसा कोई मैसेज मेरे पास आया नहीं है। न्यूज़ में अनाउंस कर दिया है कि बच्चों की 1st से 5th तक के बच्चों की ऑनलाइन क्लास होगी बिकॉज ऑफ पोल्यूशन के चलते है ना। तो देखते हैं, अभी तक तो कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है, अगर आ जाता है फिर मैं जो है संडे को निकालूंगी फिर तो मैं ड्रेस, फिर यूँ सोचा आज निकाल के क्या ही करूँगी है ना। तो सो वेट करते हैं, अगर ऐसा कुछ नोटिफिकेशन आता है उनकी तरफ से नोटिस आता है या फिर कोई अपडेट आता है कि नहीं स्कूल की तरफ से। चलो भाई बातचीत करते करते अपना टी टाइम भी हो चुका है, तो मैं बना के ले आई हूँ चाय और साथ में खा रहे हैं हम नमक पारे, ये लो आप भी खा लो। तो मैं और सिमू खा रहे हैं, कित्तू तो अभी फिलहाल सोई हुई है, सिमू भी खिला रही है, लो कित्तू सोई हुई है, कित्तू को उठा देंगे 4:30 बजने वाले हैं, उठा के फिर उसे कुछ खिला पिला दूंगी और उसके बाद पढ़ा देंगे। और आज मैंने कंघी नहीं करी क्योंकि मैं बहुत थक सी गई थी, इसलिए। पार्टी में जाना है आपको? उल्टी होकर मुड़गी, अभी कह रही थी मुझे नीचे उतार दो मुझे पार्टी में जाना। कौन सी पार्टी में जाना सिमू आपको? पार्टी में। कौन सी पार्टी में भाई? सिमू तो पूरी तैयार हो गई है, पार्टी शार्टी में जाएगी सिमू। कौन सी पार्टी में जाएगा? देखो रो के हटी है, ये मांग रही थी, मैंने दिया नहीं था ये वाला और ये पर्स। अच्छा किसकी पार्टी है सिमू आज? आपकी? आपकी किस चीज की पार्टी है? जाओ फिर उतरो, मारो छलांगा, 1 2 3 जाओ। ओ माय गॉड, टशन तो देख लो लड़की का।
और भाई टाइम हो चुका है 6:15, ये देखो। और किरत उठ गया, मैंने कित्तू को होमवर्क करने लगा दिया। होमवर्क नहीं मतलब मैं एक्स्ट्रा वर्क करवा रही हूँ। जैसे कि मैंने कहा था कि आज जो है न्यूज़ में आ चुका है कि बच्चों की 1st से लेकर 5th तक की जो है ऑनलाइन क्लास होगी, यानी कि स्कूल की छुट्टी हो जाएगी। तो अभी जस्ट अभी जब मैं कित्तू को होमवर्क करवा ही रही थी, स्कूल की तरफ से मैसेज आ गया है कि सैटरडे यानी कि कल से जो है ऑनलाइन क्लास शुरू हो गई है। जब तक कि अगली कोई डिटेल यानी कि अपडेट गवर्नमेंट की तरफ से नहीं आता, तब तक जो है ऑनलाइन क्लास होगी। तो कित्तूर को कल से स्कूल नहीं जाना, अब कित्तूर की ऑनलाइन क्लास होगी भी घर पे बैठे बैठे। कितनी हम गांव में ही रह जाते, कितनी जो है मुश्किलों से निकला जाता है, और इसके स्कूल के चक्कर में हम वापस आ गए। और लेकिन सिर्फ एक ही दिन स्कूल जाना हुआ कित्तू को, और उस दिन भी बाल दिवस था कल सॉरी। और बाल दिवस के कारण स्कूल में कुछ भी नहीं करवाए, एक एक्टिविटी ही करवाई। काश हम वहाँ रह ही जाते ना, आराम से आते सोमवार मंगलवार तक।